बहुत तेज बारिश हो रही थी। गोपू खेतों पर से वापस लौटा। अरे मोहिनी, इतना परेशान क्यों हो? अरे बारिश है वो तो थोड़ी दिक्कतें होती ही है, बारिश छूट जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं उस चीज के लिए परेशान नहीं हूँ। मोहनपुर से एक खबर आई है। क्या खबर आई है? तुम्हारी भाभी बीमार है और कहते हैं उसके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत ही बुरा है। खबर ये आई है कि आपको बुलाया है और कहा है कि आज ही हो सकता है आपकी भाभी मर जाए। अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा क्यों बोल रही हो? ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो खबर लेकर आया था उसने कहा कि जल्दी से भेज देना, पता नहीं फिर कल मुलाकात हो या ना हो। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी निकल जाता हूँ। हाँ, मैंने हरी काका को कह दिया था, वो अपना रिक्शा लेकर आ गए हैं, आप उनके साथ जा सकते हो। हाँ हाँ, मैं वही करता हूँ। तुम भी साथ चलोगी क्या? नहीं, आजकल चोरियाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं। अगर मैं भी आपके साथ चली तो यहाँ घर में चोरी होने का डर रहेगा। आप जाओ, मैं घर देख लूंगी। ठीक है मोहिनी, मैं आता हूँ। अरे ओ गोपू बाबू, मैं आ गया हूँ, चलो। हाँ हाँ काका, आया अभी अभी। इतनी बारिश हो रही है, मेरा तो मन नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन भौजाई ने कहा तो मुझे भी लगा कि नहीं जाना चाहिए, काम ही ऐसा है। चलो चलो, बैठो जल्दी से। हाँ हाँ काका, बैठ जाता हूँ। हरी काका रिक्शा चलाने लगते हैं। अरे बाप रे, बताओ इतनी घनी अंधेरी रात है, ऊपर से बारिश है, काका आपने छाता भी नहीं लिया है, कहीं आपको सर्दी लग गई तो? अरे बाबू, मेरी चिंता छोड़ दो, तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी है, मुझे बारिश में भीगने की आदत है, हम मजदूर लोग हैं, हमें उतनी दिक्कत नहीं होती है। क्या करोगे, कहीं आसपास पेड़ के नीचे रुकोगे क्या? अरे नहीं नहीं बाबू, जल्दी जल्दी आपको पहुँचा दूंगा, आपका भी काम हो जाएगा। और ये बारिश का क्या है, कब तक बरसेगा, कोई ठिकाना है क्या? एकदम कुप अंधेरा था, बस दोनों तरफ सिर्फ पेड़ थे। बारिश और ज्यादा घनी होती जा रही थी, बारिश के साथ साथ हवाएं भी चलने लगी थी। काका थोड़ा आराम से चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि चक्का वगैरह कहीं फंस जाए, तब हमारे लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे हाँ बाबू, मैं आराम से ही चला रहा हूँ, मेरा टेंशन मत लो आप, बस ये रास्ता जल्दी से कट जाए, ये बहुत घना रास्ता है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अंदर से तो मुझे भी यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ का वातावरण बड़ा ही अजीब है। हाँ हाँ चलो काका, जल्दी जल्दी ही चलाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ। पास में झोले में हाथ डाला तो गोपू को एक टॉर्च मिला। अरे चलो, गनीमत है ये तो है। गोपू ने टॉर्च जलाकर रास्ता दिखलाने की कोशिश करने लगा, तभी टॉर्च की नज़र पेड़ के नीचे खड़े एक आदमी पर पड़ी। अरे काका, लगता है वहाँ कोई बारिश में इंतजार कर रहा है, क्या उसे रिक्शे पे बिठा लोगे? अरे बाबू, ऐसे किसी अनजान को रिक्शे में बिठाना ठीक नहीं है, मान लो वो कोई बदमाश निकला तो? हाँ बात तो गलत नहीं कह रहे हो तुम, ऐसा करो छोड़ो इसे, आगे निकल जाओ। उस आदमी को छोड़कर वो रिक्शा वाला आगे निकल जाता है, लेकिन दोनों के मन में अजीब से विचार आने लगते हैं। गोपू सोचने लगता है इस बारिश में वो बंदा परेशान हो रहा था और मैं उसे साथ नहीं लेकर आया। फिर काका की भी बात याद आती है कि कहीं वो गुंडा बदमाश होता तब तो गोपू के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। काका थोड़ा जल्दी चलो, सुनने में आया था कि भाभी की तबीयत बहुत खराब है और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कहा जा रहा था कि कभी भी उनकी सांसें टूट सकती है। हाँ हाँ बाबू, मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। अरे ये क्या, ये तो रास्ता बंद हो गया है। जब गोपू ने सामने देखा तो गोपू की आंखें फटी की फटी रह गई। ये बीच सड़क में बड़ा सा घर कहाँ से आ गया, ये घर तो पहले नहीं था और अब तो रास्ता बंद हो गया। अरे काका, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये तो रास्ता बंद हो गया। अरे बाबू, वही तो सोच रहा हूँ मैं, अब पूरा रास्ता क्या हमें फिर से तय करना होगा, इस बारिश में क्या हम गोल गोल घूमते रह जाएंगे, ऐसा लगता है हमने बड़ी गलती कर दी।
उस पेड़ के नीचे जो आदमी खड़ा था उसे हमें अपने रिक्शे पे बिठा लेना चाहिए था। वैसे उतरो, अभी और कुछ नहीं किया जा सकता है, पहिया कीचड़ में धस चुका है। गोपू उतरता है तो रिक्शा वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो गोपू की तरफ देख रहा होता है और उसे देखकर गोपू सोच में पड़ जाता है। अरे काका, क्या हो गया, क्यों ऐसे देख रहे हो मेरी तरफ? अरे बाबू देखो, आपकी बगल पे सीट में कोई बैठा था। टॉर्च गोपू सीट की तरफ करता है। कहाँ कोई है? नहीं बाबू, कोई था। जब दोबारा गोपू सीट की तरफ टॉर्च करता है तो उसे भी एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जो पूरी तरीके से अपने आप को ढके हुए था, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गायब हो जाता है। गोपू मन ही मन सोचता है, अगर मैं ये बात कह दूं कि हाँ मैंने भी देखा तो काका और भी ज़्यादा डर जाएंगे, और यहाँ अगर बेहोश हो गए तो मेरे लिए मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अरे काका, कुछ भी नहीं है, चलो पैदल निकलते हैं हम लोग। यहाँ आसपास कोई घर जरूर होगा, वहाँ पे ही चलते हैं, वहाँ किसी से पूछेंगे रास्ता। दोनों पैदल ही निकल गए। पानी से भरी हुई थी सड़क, चपर चपर की आवाज आ रही थी। काफी देर चलने के बाद एक घर दिखाई दिया। ये देखो बाबू, ये घर दिखाई दिया ना, यहीं पे होगा, कोई ना कोई जरूर होगा। चलो चलो अंदर चलकर देखते हैं। जब दोनों अंदर पहुँचे तो दरवाजा खुला था। ऐसा लग रहा था कि इस घर को घर के मालिक ने इस घर को छोड़ दिया है और जंगल में यूं ही पड़ा हुआ है ये घर। अरे लगता है इस घर में कोई नहीं रहता है काका। तभी एक जोरदार हंसी सुनाई दी। आ जाओ आ जाओ, मैं रहता हूँ मैं। उसे देखकर गोपू के रोंगटे खड़े हो गए। एकदम विभत्स चेहरा, आंखें अजीब सी। 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ मैं, अब जाके मेरी मुराद पूरी हुई। आओ आओ। हरी काका धीरे धीरे उस आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगे। अरे अरे काका, कहाँ जा रहे हो? गोपू ने हरी काका के हाथ को पकड़ लिया। इसे तुम रोक नहीं पाओगे, इसे मैंने सम्मोहित कर लिया है। वो भयानक भूत अब नीचे उतर आया। गोपू को ऐसा लग रहा था जैसे गोपू जम गया है। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई। गोपू तुम यहाँ से जाओ। पीछे मुड़कर गोपू ने देखा तो गोपू हैरान रह गया। अरे भाभी, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये बातें तुम अपने भैया से पूछ लेना, भैया तुम्हारे अकेले हैं। तुम अभी यहाँ से जाओ, वरना तुम इस आदमी को भी नहीं बचा सकोगे। गोपू जल्दी जल्दी हरी काका को खींच कर बाहर निकालता है घर से। फिर हरी काका भी सामान्य हो जाते हैं। गोपू समझ जाता है कि भाभी की मृत्यु हो चुकी है और मरने के बाद भी भाभी उसे बचाने के लिए आई है।